सफर की मौत तो ऐसी जाया होने दोगी? इन्फॉर्मेशन थी वो इस बाइबल में थी और एरिका ने ही विक्की की सारी खबर उसके आदमियों तक पहुंचाई। एरिका का एड्रेस एम्बेसी के रिकॉर्ड्स में से अभी मिल जाएगा। पूरा सिस्टम विक्की के कंट्रोल में था, वरना बैंकॉक की रहने वाली एरिका की मलेशिया के सेफ हाउस में नौकरी नहीं लगती। पर उस बाइबल में क्या खजाना होता, वही तो पता करना है। प्लीज हरिया, thank you.
विक्की हमसे बहुत तेज है। पनबावना रेड्डी भी कम नहीं, यहाँ से कुछ न कुछ प्रूफ तो लेकर ही जाएंगे। कहीं नहीं है भाई, डिलीवर करी थी इन्हें, सबूत भी भेजा है डिलीवरी का एक नंबर पे। सोफा की सीट के नीचे इसका फोन पड़ा था। इस क्लिप को अपने मोबाइल पे फॉरवर्ड करके इस फोन से डिलीट कर दो और फोन यहीं छोड़ दो पुलिस के लिए। फोन को वहां छोड़ने की गलती तुम कैसे कर सकते हो केपी? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अगर पुलिस को फोन मिला भी तो क्या प्रूफ होगा? आई मीन चेक दिस, इस क्लिप में उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आई हेट मिस्टेक्स केपी, सो डोंट ट्राई टू डिफेंड। एरिका फिनिस, इन आदमी का फेस नहीं दिख रहा। ये एज दोनों कामिल है, वो भी ना को दिखते। अब कैसा मालूम पड़ेगा बाइबल केस को दी और उसमें क्या तो भी होता। गुड न्यूज, पुलिस को फोन तो मिल गया लेकिन उसमें कोई क्लिप ही नहीं थी। एरिका ने क्लिप पहले से ही डिलीट कर दी थी। इट्स अ डेड एंड। बार बार चलान से एक्स्ट्रा साफ थोड़ी दिखेगा। मिस्टर आयर, एक हाईटेक फॉरेंसिक लैब चाहिए। पांच बेल्स मतलब शाम के 5 बजे। उधर जहाँ मिले हैं वो एक चर्च है। पूरा बैंकॉक में 407 चर्च है। सब चर्च में 5 बजे 5 बारिज बेल बजता है। तो आप मिड फ्रीक्वेंसी को 1.5 से 3.5 किलोहर्ट्ज़ पे ले जाइए प्लीज। दूर से किसी छोटे शिप का हॉर्न है, नदी के पास ही। इम्प्रेस करने की कोशिश ना को कर रहे, पूरा शहर नदी का किनारे को है। क्या बोल रहे? अब हायर फ्रीक्वेंसी को 6 से 10.5 किलोहर्ट्ज़ पे ले जाइए। इतने सारे बर्ड्स की आवाज, मतलब नदी के किनारे एक चर्च है जिसके पास एक बर्ड सेंचुरी है। Can I have the visual on the big screen? Yes, sure. Stop. Can you zoom into his hand? Can you clean this reflection? Okay. नदी के किनारे यही एक चर्च है जिसके पास एक बर्ड सेंचुरी है और सामने मैकडॉनल्ड्स है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेगा ना तो मैं बोल रही, मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से और मैं होटो पे चपका दूंगी एक दो। अच्छा, इसको वार्निंग समझो चाहे तारीफ। और नंबर 2, ये बैड मैनर्स वेस्ट फेलो। जगह बहुत सही चुनी है लोगा, चर्च के बाहर किसको तो भी बाइबल दी है तो काउंट शक करेगा। सुपर स्मार्ट। सवाल ये है कि बाइबल के जरिए विक्की ने मैसेज क्या भेजा है? पर इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इन आदमी है कौन? जिमी, इंडियन है, यहाँ किसी सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट के लाया था। बहुत बड़ा हैकर है और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके काम करता है। वो अपना आईपी मास्क करके लोकल कैफेज के फ्री वाईफाई को यूज करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है विक्की तक पहुंचने की। ऑल ओके? या
कहाँ है विक्की चड्डा? देश छोड़कर जाना नाटक था या मुझसे दूर रहा नहीं गया? आज साथ चलने से मना मत करना। प्यार करते हो या मारना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? दिमाग कहता है जान से मार दोगे, मगर दिल कुछ और कहता है। तो फैसला दिमाग करेगा या दिल? गोली तो नहीं लगी, फिर भी जख्म तो देखी ज गई। हाँ, प्यार नहीं पैसा चाहिए। 20% जाने का इतना गम? 20 नहीं, मुझे पूरा 100% वापस चाहिए। क्यों और किस लिए? ये तुम जैसी करप्ट ऑफिसर कभी नहीं समझेगी। हाउ हाई माई करप्ट? पन छोटा मोटा लूटती, फुल कंट्री को लूटने का ना मेरा कोई इच्छा है ना औकात। हमारा यहाँ गांव में पीने का पानी के लिए भी 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। टैंकर से अपने हिस्से का पानी के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। वहाँ का पैदा हुआ हर इंसान सिर्फ एक अच्छा सीधा साधा जिंदगी चाहता है, पर जहाँ पानी के वास्ते भी रिश्वत देना पड़ता है, वहाँ ईमानदारी कैसे सीखेगा कोई? सब समझती हूँ मैं, और मैं फर्स्ट डे से ही जानती हूँ तुम ये सब 20% के वास्ते नहीं कर रहे। तू कल जो भी करेगा, मैं तुम्हारे साथ है। इसका नाम हनिया है। लिबिया कंट्री के त्रिपोली शहर में छुप कर रहती है। पिछले कुछ हफ्तों से त्रिपोली की पुलिस इसे ढूंढ रही है। अपने मालिक के यहाँ छोटी सी चोरी का इल्जाम है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की सजा होगी, लेकिन ये पकड़ी नहीं जाएगी। ये भागेगी और मारी जाएगी। हम मार देंगे उसे, फिर उसकी जगह मैं लूंगी, और त्रिपोली की पुलिस मुझे पकड़ेगी हनिया समझ के। इंडियन गवर्नमेंट विक्की चड्डा को त्रिपोली की जेल में हनिया के नाम से तो ढूंढेगी नहीं, और 4 महीने बाद मैं छूटकर सारे पैसों के साथ ऐश करूंगी हनिया बनकर। ये चेहरा फिर से बदलने वाला है कीर्ति। मंडे दोपहर 1 बजे। जी मैम। अगर कल करण सब कुछ नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा आपके लिए। कल सुबह कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। कैसे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी तैयारी कर ली है, आप भी रेडी रहिएगा। तुम्हें पता है मैं कल बैंक नहीं आऊंगी। और तुम्हें पता है ना, कल मैं बैंक जरूर आऊंगा। ना गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है ना पुलिस। पहले विक्की, फिर जफर, फिर एरिका, और अब जेमी। और कितनी बार हारोगे? जब हमें कमांडो बनने की ट्रेनिंग दी जाती है तो एक बात जरूर सिखाते हैं, जब तक जान है तब तक कोशिश मत छोड़ना। All the best. All the best to you too, Commander. अरे ये क्या?
मैं दो मिनट बिजी क्या हो गया, अब तो जाने लगी। देख क्या रहा, सीधा गोली मार लांजा को, पुलिस पे हाथ उठाया ने। चाबी क्या करोगे? चाबी का इसे बैंक का एक लॉकर खुलता है, उस लॉकर में एक बैग है और उस बैग में एक लैपटॉप, जिसके लिए मेरे रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है, और वो भी मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ यहाँ है। इरादा तो था ही, आपने बहाना भी दे दिया, अब सिर्फ चाबी नहीं, चाबी वाली को भी लेके जाऊंगा। Drop your weapons! गाड़ी में बैठिए मैम, परसेंटेज बाद में डिसाइड कर लेंगे। सोचिए मत मैम, वजह खुद ही बता देता हूँ। ये देश सेवा लोगों को बोर ही नहीं करती, भिखारी भी बना देती है। बैंकॉक में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, वरना तुझे मारने का मौका मैं नहीं छोड़ता। डू नॉट मूव। टोटल पैसा कितना है स्टिक पे बाप? मैं भी अपना डिसीजन लूं, जान पे खेलेगा तो फायदा होएगा कि नहीं। यहाँ पर तो बख्तावर जैसा फ्लैट हो रहा, और मैं तो ओरिजिनली चलाची टाइप्स की हूं। जस्ट शट अप। हाउ, जिसको बोलना चाहिए था उसका सामने तो तुम फुल साइलेंट मोड हो जाते। अरे सर, अय्यर गारू मेरे को काय को? कभी सुने क्या, एक ही केस में किडनैप और अरेस्ट दोनों होते हुए किसी को? खामोशी खतरे की निशानी होती है बख्तावर। कैसा खतरा मैडम? सारी गोटियां पहले से ही फिक्स की थी ताकि इस ट्रिप पर आ सकूं। बोर्ड पर करण आपके साथ बात कर सके इसलिए जानबूझकर मैं फोन लेकर बाहर चला गया, वरना आपकी प्लानिंग नहीं हो पाती ना। ये पुलिस का आदमी है मैडम, इस पर भरोसा करना। पुलिस के आदमी से वफादार आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार बिक गया तो समझो पूरी जिंदगी बिका हुआ ही रहेगा। कितने में बिकोगे? 10 से 1% भी कम नहीं लूंगा मैं।